आप सभी ने बीआरएल लॉजिस्टिक का नाम तो सुना ही होगा और इसके ट्रक भी सड़कों पर देखे होंगे। ये भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में से एक है। इस कंपनी का फाउंडर है विजय शंकर सर, जिन्हें द ट्रकिंग किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं इंडिया की टॉप लॉजिस्टिक कंपनी के फाउंडर विजय शंकर सर ने कैसे जीरो से स्टार्ट करके आज अपनी बीआरएल लॉजिस्टिक कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को आज की बिजनेस स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बीआरएल लॉजिस्टिक के फाउंडर विजय शंकर सर की पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। बीआरएल लॉजिस्टिक के फाउंडर विजय शंकर सर कर्नाटक के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनकी फैमिली पब्लिकेशंस और बुक्स प्रिंटिंग के बिजनेस में थे। विजय के अपने 7 भाई बहन थे जिनमें वो चौथे नंबर के थे। बेसिक एजुकेशन पूरी करते ही विजय पर भी फैमिली की हेल्प करने का प्रेशर आने लगा। विजय के पिता भी चाहते थे कि विजय भी उनके साथ उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। इसलिए 1966 में 16 साल की उम्र में विजय को एक प्रिंटिंग प्रेस भी गिफ्ट की, जिसमें सिर्फ एक मशीन और 2 वर्कर्स का एक छोटा सा सेट था। विजय ने अपने पिता की बात रखते हुए 1966 में 16 साल की उम्र में ही बुक पब्लिकेशन का काम ज्वाइन किया और अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन विजय को अपने खानदानी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए वो वहाँ ज्यादा टाइम रुक नहीं पाए। अब विजय ने प्रिंटिंग प्रेस का काम छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करने का सोचा। अब पुश्तैनी कारोबार को छोड़कर नया बिजनेस करना आसान नहीं था। फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत था और सोसाइटी के ताने अलग पड़ रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ लॉजिस्टिक के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया। इसलिए विजय ने घर वालों से एक रुपया भी नहीं लिया। विजय ने अपने एक जानने वाले से पैसे उधार लिए और एक ट्रक खरीदा और 1976 में एक ट्रक से ही काम की शुरुआत की। विजय उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे। इस बिजनेस के शुरुआत में उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ी, कई बार पैसों की भी तंगी आई। लॉजिस्टिक्स फील्ड में टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से क्लाइंट और ट्रैकिंग कंपनी के बीच कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल था। इन अप्स एंड डाउन के बीच भी विजय शंकर सर का हौसला नहीं गिरा और वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बिजनेस में लगे रहे। 90s तक आते आते उनकी किस्मत पलटी और बिजनेस ने स्पीड पकड़ ली। 1990 तक कंपनी का टर्नओवर 4 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। 1994 तक उनके पास 150 ट्रक हो चुके थे और फिर 1996 में उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया और कोरियर सर्विसेज भी देनी शुरू की। उनकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। अपनी कंपनी की सक्सेस देखने के बाद विजय शंकर सर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुरियर सर्विसेज के बाद उन्होंने बस सर्विसेज भी देनी शुरू की और वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट से पैसेंजर सर्विस में भी आ गए। इसलिए उन्होंने विजयानंद ट्रेवल्स नाम से एक नई कंपनी भी स्टार्ट की। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम अब बीआरएल लॉजिस्टिक कर दिया। शुरुआत में उनकी 4 बसेस 8 स्टेट्स पर चलती थी और आज उनके पास 500 से ज्यादा बसेस है। उनकी ये कंपनी अब एयर ट्रैवल के बिजनेस में भी है, जो VIPs कॉर्पोरेट्स और खास लोगों के लिए जेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सर्विसेज की शुरुआत 2008 में हुई थी। कंपनी का मार्केट कैप भी 6200 करोड़ से ज्यादा का है। विजय बस सर्विसेज पर ही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने विजया कर्नाटका नाम से अपना न्यूज़पेपर भी शुरू किया। विजया कर्नाटका न्यूज़पेपर टाइम्स ग्रुप के साथ मर्ज होने से पहले यानी 2007 तक विजय उसके न्यूज़पेपर के मालिक बने रहे। उसके बाद फिर से उन्होंने 2012 में विजयवाणी नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया, जो पूरे कर्नाटक में बेचा जाता है और आज कर्नाटक का नंबर 1 डेली न्यूज़पेपर है। बीआरएल ग्रुप ने 2017 में दिग्विजय 24/7 नाम से एक न्यूज चैनल भी लॉन्च किया। लॉजिस्टिक्स किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। विजय ने एक टाइम पर पैसे उधार लेकर एक ट्रक से सामान ले जाने का बिजनेस शुरू किया था। आज बीआरएल ग्रुप के पास हजारों व्हीकल्स हैं और इसी के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी बन चुकी है। विजय अब ट्रैकिंग किंग और ट्रांसपोर्ट किंग जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। बीआरएल लॉजिस्टिक्स के पास आज 5000 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स हैं। कंपनी का दावा है कि उनसे ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स किसी और लॉजिस्टिक कंपनी के पास नहीं है, जिसके चलते कंपनी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। बीआरएल लॉजिस्टिक्स शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। रिसेंट 5 ईयर्स की बात करें तो बीआरएल लॉजिस्टिक्स ने 115.05% तक का अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस में मिली शानदार सक्सेस के बाद भी विजय शंकर सर का सफर केवल बिजनेस तक ही नहीं रहा। उन्होंने बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर विजय ने सोशल वेलफेयर के लिए भी काफी काम किया। विजय शंकर सर को ईयर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी दिया जा चुका है। उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन से बड़ी ये सक्सेस स्टोरी कई जनरेशन के लिए इंस्पायरिंग है। उनकी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी पर फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का नाम है विजयानंद। ये फिल्म दिसंबर 2022 में रिलीज हुई थी। तो ये थी एक प्रिंटिंग प्रेस से शुरुआत करके लॉजिस्टिक्स की दुनिया में तहलका मचाने वाला विजय शंकर सर की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।